सो हाई एवरी वन वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी डेट इज़ अचीवर्स वर्स अकेडमी आई एम योर फ्रेंड यूअर गाइडर निशा शर्मा सो गाइज हम इंग्लिश लिटरेचर की एम सी क्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चाहे वो एस दे रहे हो डी टी प्लस भी दे रहे हो के वी एस दे रहे हो एल्टी ग्रेड मास्टर कैडर फर्स्ट ग्रेड किसी भी स्टेट में यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस टू पार्ट्स नियर अबाउट थर्टी एंड फोर्टी क्वेश्चन ईच 80 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और 500 या 1000 के अराउंड क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस सीरीज में लिटरेचर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सो so स्टार्ट करते हैं आज के के इंपॉर्टेंट साथ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए होते हैं तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होंगे तो क्वेश्चन है आज का चौसर रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट की कौन सी डायलेक्ट है डायलेक्ट इन द सेंस कौन सी बोली आप कह सकते हो जिसके अंदर जोफ्री चोसर ने लिखा था द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जोफ्री चोफर क्योंकि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना तो कुछ बच्चों को लगेगा मैम कल भी तो चोसर के क्वेश्चन करे थे क्वेश्चन हर क्लास में बिल्कुल नए होंगे कोई रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो आई विल स्किप डेट क्वेश्चन ठीक है हाँ तो चोसर ऑर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट बहुत सारी डायलेक्ट थी उस टाइम तो कौन सी डायलेक्ट है जिसमें चोसर ने बेसिकली लिखा था आप ये कह सकते हो नॉर्दर्न इंग्लिश के अंदर ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश के अंदर वेस्ट मिडलैंड या साउथ ईस्टर्न लैंग्वेज के अंदर तो चोसर की जो लैंग्वेज थी वो थी ईस्ट मिडलैंड ठीक है चोसर की जो लैंग्वेज थी वो थी भाई ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज जो कि किससे रिलेटेड थी चोसर और यही जो लैंग्वेज थी बाद में क्या कहलाई थी भाई यही लैंग्वेज इंग्लिश के रूप में आप कह सकते हो सामने आई थी ठीक है तो यही लैंग्वेज इंग्लिश के रूप में सामने आई थी नेक्स्ट है चोसर वाज अ पॉइंट ऑफ कौन सी सेंचुरी के पॉइंट थे चौसर बेसिकली किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे चौसर ये कह सकते हो आप तो चौसर जो है किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे भाई थर्टीन सेंचुरी फोर्टीन सेंचुरी फिफ्टीन तो आपको पता है हम चौसर का लाइफ स्पैन यदि निकालें तो थर्टीन फोर्टी से फोर्टीन जीरो जीरो मतलब तेरह सौ चालीस से चौदह सौ था जो तीन राजाओं के काल में रहा था आपको पता होगा एडवर्ड थर्ड हेनरी फोर्थ और रिचर्ड सेकेंड ठीक है तीन राजाओं का टाइम पीरियड जो है आ, इंजॉय किया था चोसर ने और ये जो टाइम पीरियड है तो सेंचुरी की बात आती है तो हमेशा नेक्स्ट सेंचुरी काउंट होती है मतलब फोर्टीन सेंचुरी आप ये कह सकते हो ठीक है हां जी ठीक है तो फोर्टीन सेंचुरी आएगा इसका आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम चोसर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश मतलब एक ऐसी पोएम है मतलब है तो वो पोएम ही बट उस पोएम में मतलब तो चोसर ने इस तरीके से प्रजेंटेट प्रजेंटेशन किया है कि ऐसा लगता है भाई वो फर्स्ट नोवेल है तो यू नो नोवेल हम किसको बोलते हैं एक तो जो प्रो स्टाइल में लिखा हो प्रोज स्टाइल में लिखा हो वो नोवेल बोला जाता है एक बहुत लेंथी सा कोई वर्क होता है वो नोवेल के लिए यूज़ होता है तो यू नो द बुक अबाउट ट्रिलर्स एंड प्रेसिडे ठीक है ट्रिलर्स एंड प्रेसिडे ये बहुत ही लॉन्गेस्ट पोएम है चोसर्स की जो कि और नियर अबाउट एटी टू हंड्रेड लाइन्स में लिखी गई है नियर अबाउट बयासी सौ लाइन्स इसके अंदर हैं तो कैन यू इमेजिन इन एटी टू हंड्रेड लाइन्स की कोई पोएम है अपने आप में तो डेफिनेटली द पोएम गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ नोवेल ठीक है तो इसी पोएम को हम तबीयत अब मेरी बिल्कुल ठीक है भाई हॉर यू थोड़ा बहुत सर्दियों में चलता रहता है अब तबीयत में कुछ भी हो जाएंगे अब क्लास रूटीन में चलेंगी दो क्लास यूट्यूब पर फिक्स है दो क्लास दो से तीन क्लास ऐप पे दो क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फिक्स है एक इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यू सीरीज और एक जीएस एम सी क्यूज सीरीज आई एम ओके नाउ थैंक्स फॉर केयर एवरी वन विच ऑफ द फॉलोइंग पोए ऑफ चोसर इज अनफिनिश्ड चोसर ने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी उनके अंदर बेसिकली कौन सी पोयम है जो अनफिनिश्ड रह गई थी अनफिनिश्ड मतलब विच इज नॉट कम्प्लीटेड जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी तो यदि हम बात करें तो भाई वो कौन सी पोयम थी तो यदि उस पोएम की बात करें लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ठीक है तो वो जो पोयम थी वो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन पोएम जो है क्वेश्चन अगेन बट अगेन मैं एक चीज बता चुकी हूँ. जब मैं पढ़ाती हूँ आई जस्ट फोकस ऑन माई कंटेंट और कोई खास क्वेश्चन होगा देन आई विल रिप्लाई अदरवाइज नोट. नेक्स्ट फॉर द जनरल आइडिया ऑफ द कंटेवेरी टील चोसर वॉज इन डॉप्ट टू मतलब कहने का मतलब ये नहीं बोलते कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं उसका आभार व्यक्त करती हूँ मतलब मैंने वहाँ से उस चीज़ को सीखा है मतलब इस तरीके से तो चोसर की जो कैंटबरी टेल्स है तो इन डेप्ट का मतलब चोसर कहाँ से उस चीज़ को कहते हैं ना आभार व्यक्त किया है कहाँ से इम्प्रेस्ड हुआ है ये आप कह सकते हो तो वही कहाँ से बकैशियो बकैशियो डेकेमेरन तो यहाँ से चोसर का आइडिया इंस्पायर हुआ है या कुछ भी कह दो चोसर खुद इंस्पायर हुए हैं तो बेकैशियो के वर्क डेकेमेरन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं चोसर फॉर द वर्क कैंटबेरी टेल्स एंड कैंटबेरी टेल्स इज वेरी लिजेंडरी वर्क यू कैन से इन इंग्लिश लिटरेचर पहचान है इंग्लिश लिटरेचर की ठीक है बेसिकली जो अपने बिना लिटरेचर वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ाई शेक्सपियर से ही शुरू करते हैं ना लेकिन ये नहीं पता शेक्सपियर के भी चार बाप पहले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हम बेसिकली स्किप ही कर देते हैं ठीक है आंसर पहले टिक नहीं होते बिल्कुल भी लेकिन आपको पता है मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर बुक मेरी पढ़ी हुई होती है हर बुक मेरी पढ़ी हुई होती है मेरे पास जितनी मेरे पास एटलीस्ट लिटरेचर की दस से पंद्रह बुक है कोई बुक ऐसी नहीं है जिसको मैंने ना पढ़ रखा हो और यही मेरी सबसे मोटी बड़ी प्रॉब्लम है अब मैं आपको पढ़ाने के लिए ना तो भाई कोई टाइप हायर कर सकती कि भाई मुझे क्वेश्चन पढ़ाने हैं आप इनको टाइप कर दो आपको पता भाई मेरे बस का नहीं है ये सब करना कि एक तो मैं पढ़ा रही हूँ ऊपर से एक टाइप राइटर को बिठा के हाँ बैठ जा मैंने पढ़ाना है क्वेश्चन टाइप कर दे तो मैं ऐसे नहीं कर पाती दूसरी बात अब ये भी नहीं है मैं नई किताबें ला ला के रखूँ सिर्फ मात्र क्वेश्चन के लिए तो सॉरी फॉर द टिक और टिक इसलिए नहीं होती कि आ, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है ऐसा कुछ नहीं है पीछे बीच में दो पीपीटी भी बनवाई थी तो पता क्या अब मेरी पढ़ी बुक है मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें पढ़ाना और समझाना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें टिक है या नहीं है आपको पता है मैं उससे जुड़ी सारी बातें आपको बताती हूँ ठीक है कोशिश करूंगी एक नया प्रैक्टिस सेट ले आऊँ मार्केट से जिसमें टिकना हो उससे पढ़ा दूंगी ठीक है छोड़ देंगे इसको वेयर डू द पिलग्रीम्स अब मैं क्या करूँ देख लो तुम मतलब सोचो मैं कितना पढ़ती थी है ना कि मेरी कोई भी बुक ऐसी नहीं जिसको मैंने काला नहीं कर रखा वेयर डू द पिलग्रीम्स ऑफ कैंटबेरी टेल्स मीट इन लंडन तो लंडन में कौन सा प्लेस था जहाँ पर कैंटबेरी टेल्स के जितने भी पिलग्रीम्स थे वो मिले थे बट हाँ मैं मार्केट जाऊँगी एक नई बुक जरूर लेके आऊँगी जिसमें बहुत सारे एमसिक होंगे और जिसमें आंसर टिक नहीं होगा और फिर उससे पढ़ाया करूंगी ठीक है फ्लेट स्ट्रीट टैबर्ट इन गर्ल स्ट्रीट एंड लंडन आपको पता है टैबर्ट इन साउथ वॉक में था टैबर्ट इन जहां पर ठीक है जहां पर आप ये कह सकते हो कि टैबर्ट इन नीलम मैं लास्ट में बताऊंगी ठीक है टैबर्ट इन ठीक है टैबर्ट इन है साउथ वॉक इज अ नेम ऑफ प्लेस जहां पर ये इन थी जहां पर ये सभी पिलग्रीम्स ठहरे हुए थे ठीक है नेक्स्ट है हाउ मेनी टेल्स आर देयर टोल्ड बाय ईच पिलग्रीम्स ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था तो इन क्वेश्चन को हम स्पीडली स्किप कर देते हैं चार दो आते टाइम दो जाते टाइम ठीक है हर क्लास को जरूर देखा करो क्योंकि मैं रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाऊंगी इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम द पिलग्रीम्स आर गोइंग टू विजिट द टू मॉफ अब किसकी विजिट मतलब कहते हैं ना हम अपने जैसे देवी के दर्शन करने जाते हैं तो उसी तरीके से ये दर्शन करने जाते हैं तो किसके दर्शन करने जाते हैं सेंट जोम्स थॉमस एक्वेनिस सेंट मैरी थॉमस ए बकेट ठीक है जैसे अपने पवित्र देवी हम वैष्णो देवी माता जाते हैं तो उसी तरीके से ये लोग भी गए थे थॉमस ए बकेट तो ध्यान रखेंगे ये शराइन था मतलब एक तरह से इनका पवित्र जगह थी जहां पर ये गए थे पूजा वूजा करने या कुछ भी लगा लो ठीक है एंड वेयर इज टूम ऑफ द सेंट सिचुएटेड और ये कहां पर भी थी भाई ये जो कब्र बनी हुई थी जो ये टूम बनी हुई थी ये कैंटबरी uh, प्लेस में थी तभी तो कैंटबरी टेल्स इसका नाम पड़ा ठीक है कैंटबेरी इज अ नेम ऑफ प्लेस साउथ वर्क में था नेक्स्ट है हु नरेट द फर्स्ट टेल इन चोसर्स कैंटबरी टेल्स अब चोसर की कैंटबेरी टेल्स में जो हम ट्वेंटी फोर स्टोरीज को पढ़ते हैं तो अलग अलग पर्सन है स्टोरी को सुना रहा है तो हु इज द फर्स्ट मतलब सबसे पहले जो स्टोरी को सुनाने वाला था तो वो कौन था ठीक है तो सबसे पहले स्टोरी को सुनाने वाला था नाइट नाइट यू नो सोसाइटी में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल प्लेस पे नाइट को माना जाता है और नाइट चौसर ने ये दिखा रखा है कि सोसाइटी में जिस सिक्वेंस के हिसाब से लोग रहते हैं उसी सिक्वेंस के हिसाब से उसने अपना कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है तो नाइट को सुपीरियरिटी दी हुई है इसीलिए पहली टेल नाइट ने सुनाई नीलम मैं बता देती हूँ एक मिनट आपको तीन कोर्स क्यों दिख रहे हैं दो दिख रहे होंगे एक आपको दिख रहा होगा इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल ठीक है एक है इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल और आपने टीजीटी स्क्रीनिंग देना है तो आप ये वाला बैच लेंगे टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग ये लिखा हुआ है बस उसके ऊपर टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग ये जो इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल है ये पीजीटी वाले बच्चों के लिए है मतलब जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है वो चाहे बच्चा डी का है चाहे स्क्रीनिंग का है चाहे केवीएस का है चाहे एस्टेट का है क्योंकि मैंने चीज़ों को ऐसे नहीं पढ़ा रखा ऊपर ऊपर से जीरो से हंड्रेड परसेंट पढ़ा रखा है फोल्डर्स बना रखे हैं वर्ल्ड लिटरेचर को स्किप कर सकते हैं डी और स्क्रीनिंग uh, के अलावा वाले बच्चे तो इस तरीके से ये पीजीटी वाले बच्चों के लिए है और नीलम यू कैन गो दिस जिसमें लिखा हुआ है टीजीटी टी इंग्लिश स्क्रीनिंग इसके अंदर आपको दोनों चीजें मिलेंगी कॉमन सेक्शन एज वेल एज इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट फॉर टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग तो नेक्स्ट चलते हैं क्लियर नीलम तो नाइट मेरी स्पीड तेज तो नहीं लग रही भाई क्योंकि मुझे बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पसंद नहीं है मतलब ऐसे यूँ लगी रहूँ धीरे 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 उसमें मज़ा नहीं आता मुझे पढ़ाने में और बहुत कम क्वेश्चंस कवर होते हैं और बहुत टाइम वेस्ट मुझे फील होता है बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो तो स्पीड ओके है ना मतलब किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ा धीरे कर लेंगे नेक्स्ट है हु टेल द लास्ट टेल इन कैंट वेरी टेल्स तो चोसर की जो टेल्स है उनमें जो सबसे लास्ट टेल है मतलब सबसे अंतिम वाली जैसे पहली नाइट ने सुनाई है तो लास्ट वाली जो टेल है वो किसने सुनाई है ठीक है तो लास्ट जो टेल है वो द पार्सन टेल पार्सन जो टेल है टेल ऑफ पार्सन टेल एंड टेल ऑफ मेलेबी जो कि प्रोज वाली टेल है ये लास्ट लास्ट टेल्स है चोसर के वर्क की हम बात करें तो ठीक है नेक्स्ट है ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं प्रोज में कौन सी टेल है पार्सन एंड मेलेबी दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है हु टेल द टेल ऑफ़ मेलबीज इन कैंटबेरी टेल्स तो जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई जो लास्ट टेल है प्रोज वाली तो चोसर ने जो टेल बोली थी मतलब टेल ऑफ मेलबी तो ये चोसर मतलब इसका जो नरेट करने वाला बंदा था वो खुद चोसर था याद रखेंगे जैसे भाई ये वाली टेल उसने सुनाई ये वाली कहानी उसने सुनाई ये वाली कहानी उसने सुनाई तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बच्चे जो टेल ऑफ मेलबी है इट्स नरेटेड बाय चोसर ये चोसर के द्वारा नरेट की गई थी मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है जैसे ही होता है मैं यूट्यूब पर बता दूंगी एंड इज रिटर्न इन तो ये किसमें लिखी गई है तो चौसर का जो फेमस है राइम रॉयल उसी के अंदर लिखी गई है ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश यूज द कपलेट इंग्लिश की पहली पोएम कौन सी है जिसके अंदर हीरोइक कपलेट्स का यूज हुआ है तो वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसके अंदर हीरोइक कपलेट्स यूज हुए हैं तो वो कौन सी पोएम है यदि पूछा जाए द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन द हाउस ऑफ फेम द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड द बुक ऑफ द डिस ठीक है तो ध्यान रखना द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन पहली ऐसी पोएम है जो हीरोइक कपलेट्स के अंदर लिखी गई थी ठीक है हीरोइक कपलेट्स के अंदर लिखी गई थी और याद रखना ये अनकम्प्लीट थी ये चोसर की जो पोएम थी ये कंप्लीट नहीं हुई थी ये यह यहां पर आपको ध्यान रखना है और यहाँ कुछ ये यह कह रहे थे नाइनटीन के अराउंड वुमेन्स की स्टोरी हम बताएंगे बट आठ महिलाओं की स्टोरी जो है बताई है तो इस तरीके से ठीक है मैं ओनली इंग्लिश लिटरेचर वाले फोल्डर से डीएसएस बी पीजी टी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा नैन्सी यदि आपने बैच लिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं होगा इंग्लिश लिटरेचर का जो फोल्डर है बेटा उसके अंदर सिर्फ ब्रिटिश राइटिंग है एंग्लो सेक्शन से पोस्ट मॉडर्न तक का है ठीक है और डी टी प्लस बी पी में तो अफ्रीकन राइटिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं अमेरिकन अफ्रीकन तो वर्ल्ड लिटरेचर वाला फोल्डर भी आपको पढ़ना पड़ेगा और जो स्पेशल क्लास वाला फोल्डर बना रखा वो भी पढ़ना पड़ेगा खाली इंग्लिश लिटरेचर वाले से काम नहीं चलेगा नेक्स्ट है खाली इंग्लिश लिटरेचर वाले फोल्डर से एस्टेट वाले बच्चों का काम चल जाएगा नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट द चोसर टू द टेल्स प्रोलोक इन डीड ऑफ गॉड प्लेटी ये कल हमने डिस्क्राइब किया था कि चौसर के प्रलोक के लिए ये जो लाइन है हेयर इंडी द गॉड प्लेंटी भाई यहां तो भगवान की बहुत बहुत आयत है तो ये गॉड प्लेंटी जो वर्ड है ये ड्राइडन ने यूज किया था और किसके लिए यूज किया था चौसर के कैरेक्टर के लिए ठीक है कैरेक्टराइजेशन के लिए ये जो है यूज हुए थे तो ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है दूथर पियर एंड द प्लोमैन इज द जो बुक थी पियर एंड प्लोमैन इज अ नियर अबाउट थाउजेंड लाइन में जो है पोयम थी थी लाइन ठीक है 500 के 500 के अराउंड में थी, और ये लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया था और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया है पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया मतलब बहुत एग्जाम्स में देख लिया पी आर एम्प्लॉय रिटर्न बाय सीधा सीधा क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया था ठीक है जो चर्च करप्शन के लिए भी जाने जाते हैं नेक्स्ट है बिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिट चोसर डेडिकेट टू गोवर जॉन गोवर माय लविंग गोवर बोला था जिसको कंटेम्प्रेरी थे चोसर के तो गोवर की कौन मतलब कौन सी चोसर की स्पेसिफिक पोएम है जो कि जॉन गोवर को डेडिकेट इन्होंने की है तो, तो सेम थ्रिलर्स एंड प्रेसिडे तो ये आपको पता है मैंने रिजम्बल एक वीडियो बनाई थी रिजम्बलिंग वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर ठीक है तो रिजम्बलिंग वर्क के अंदर भी मैंने बताया था स्पेलिंग का डिफरेंस आ जाएगा और शेक्सपियर का वर्क बन जाएगा गोवर रॉट इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं एक साथ ही बता दूंगी एक ही स्क्रीन पे ले आते हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा जो जोफ्री चोसर थे ना भाई जो सॉरी जो जॉन गोवर थे ना उन्होंने तीन तीन ही पोएम लिखी हैं इंपॉर्टेंट और तीन अलग अलग भाषाओं में लिखी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को एक तो इन्होंने इंग्लिश में लिखी है ठीक है ठीक है एक इन्होंने फ्रेंच में लिखी है और एक इन्होंने एकटिन में लिखी है ठीक है ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा जॉन गोवर की थ्री इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं थ्री इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं तो इंग्लिश में लिखी है कौन सो कौन सी भाई कन्फेसो एमस्ट्रिस ए लवर कन्फेशन के ऊपर है ये थीम के ऊपर तो कन्फेसो एनिस्ट्रिस एमिस्टिस इसकी इंग्लिश में लिखी हुई पोइट्री है और स्पेक्म मेडिटेनिस और एक साथ में बता रही हूं Vox Clamates, इसकी लेटिन में लिखी हुई पोईम है क्यों बता रही हूँ क्योंकि हम कंफ्यूज आते हैं कौन सी किसमें थी देखो मैं इजीली याद करवाती हूं भावना बिल्कुल सफिशियंट है के बी टीजीटी इंग्लिश में बेटा सब्जेक्ट आता ही नहीं है के में टीजीटी में सब्जेक्ट नहीं आता है पीजीटी में सब्जेक्ट आता है अस्सी नंबर का उसके लिए सफिशियंट है इंग्लिश लिटरेचर बैच बट के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं आता है पेपर में इंटरव्यू के टाइम पूछा जाता है ठीक है देखिए याद करवाती हूं मैं तुम्हें जॉन गोवर की तीनों पोयम है इंपॉर्टेंट याद रखना इंग्लिश वाली कौन सी है कन्फेसो एमिस्टिस तो हम ऐसे याद करेंगे कन्फेशनल इंग्लिश में थी कमला दास है ना ऐसे याद कर लेंगे कन्फेशनल पॉइंट इंग्लिश में थी कमला दास तो भाई कन्फेशनल से कन्फेसो एमस्टिस याद रखेंगे कन्फेशन से कन्फेसो ऐसे करके याद रखेंगे कन्फेशनल कि इंग्लिश वाली है ठीक है अब है फ्रेंच फ्रेंच में स्पेक्म मेडिटेनिस मेडिटेनिस अब ऐसा करेंगे टेनिस फ्रांसीसी लोग बड़े टेनिस वेनिस खेलते हैं भाई तो जिसके पीछे ये टेनिस वाला टाइप वाला साउंड आ रहा है ये फ्रेंच वाला वर्क है वोक्स क्लामिनटीज ये लेटिन के अंदर है तो देखो क्लैमिन क्लैमिन लेटिन क्लैमिन एल एल वाला एल एल वाला कॉरलेट करके यू कैन लर्न ठीक है लेटिन ल क्लेमटिन एल तो एल एल करके यू कैन रिमेंबर द पॉइंट ठीक है और यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको ये एक साथ में याद करवा दिया इंग्लिश की है कन्फेसो कन्फेशियो एमस्टिस ठीक है फ्रेंच में है स्पेक्ुल मेडिटेंटिस िस एंड वोक्स क्लामेंटिस ठीक है ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखेंगे बहुत बार आता है क्लियर भाई इंग्लिश लिटरेचर का टाइम फिक्स कर देंगे फिर देखने आ जाया करो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज यहां पर बेकन आएगा भाई एक मिनट फादर ऑफ इंग्लिश एसे शब्द आए तो बेकन आएगा प्रोज शब्द आए तो वाइकलिफ आएगा ठीक है ट्रेडिशनल फॉर्म में प्रोज शब्द आएगा तो मतलब प्रोज शब्द आएगा ट्रेडिशनल वे में तो वाइकलिफ आएगा लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश एसेज पूछा जाए तो बेकन आएगा ठीक है नेक्स्ट है Who among the following is called the morning star of reformation? Already we have discussed डिस्कस ठीक है पार्ट वन एंड पार्ट टू में जो क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं उनको मैं स्किप कर रही हूँ तेजी से कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की टू होम जनरली एट्रीब्यूट द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबिल बाइबिल का आप कव चुके हैं नेक्स्ट है मोर्टे डी अर्थरवास पब्लिश पब्लिशिंग ठीक है मोर्टे डी अर्थरवास पब्लिश पब्लिशिंग फोर्टीन एटी फाइव ये भी लास्ट क्लास में आया था चौदह सौ पिचासी में पब्लिश हुआ था मोर्टे डी अर्थर नेक्स्ट है मोटेडी अर्थर जो वर्क है वो मेलोरी के द्वारा रिटर्न है ठीक है ये न्यू है याद कर लेना मोटे डी अर्थर वर्क है इंग्लिश का जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसी के अंदर आता है ये 1485 में पब्लिश हुआ था मेलोरी एम ए एल ओ आर वाई ठीक है मेलोरी के द्वारा नेक्स्ट है ड्रीम एलेग्री वॉज पॉपुलर पोइटिक फॉर्म ड्यूरिंग द ड्रीम एलेग्री ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ड्रीम एलेग्री एक बहुत अच्छी पोइटिक फॉर्म बनी थी मतलब इस तरीके से बहुत सारी एलेग्री इज अ काइंड ऑफ जैसे कि कोई मेन वर्क होता है और कोई उसकी नकल वकल करके हम जब कोई वर्क वगैरह लिखते हैं तो ड्रीम एलेग्री मतलब सपने में ही जैसे एलग्री क्या होता है मतलब एक कोई मेन वर्क है उसको आप नकल वकल करके उसकी थीम वीम लेके दूसरा वर्क सेट वेट कर रहे हो तो वो जो चीज है ठीक है इस तरीके से तो मेडिवल पीरियड में ये जो ड्रीम एलेग्री थी ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी भाई नेक्स्ट चोसर के बाद मैंने आपको बताया था कि चोसर के कंटम्प्रेरी लैंगलैंड गोवर और ये सब आ जाते हैं और उसके बाद उसके बाद स्कॉटिश राइटर आ जाते हैं ठीक है स्कॉटिश चोरसियन इनको क्यों बोला क्योंकि ये स्कॉटलैंड के थे ये स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने चोसर को फॉलो किया था ठीक है स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने किसको फॉलो किया था भाई चोसर को ठीक है तो स्कॉटलैंड के होने के बाद चोसर को फॉलो किया इसीलिए ये स्कॉटिश चोरसियन कहलाए थे तो जेम्स वन रिचर्ड सेकिन तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट था जेम्स वन जिसने बर्ड्स के ऊपर स्टार्टिंग में पोइट्री भी लिखी थी ठीक है तो जेम्स वन स्कॉटियन स्कॉटिश चोरासियन मतलब चौसर के आ, बातों को फॉलो करते थे और स्कॉटलैंड के ये पॉइट थे तो इसीलिए इनको स्कॉटिश चोरासियन कहा जाता है तो इसमें जो फेमस थे ये किसके मतलब राजा के दरबार में आप कह सकते हो मतलब किस राजा के फॉलोवर थे ये जेम्स वन के फॉलोवर थे ठीक है जेम्स वन के फॉलोवर थे नेक्स्ट है हु अमंग चोरसियन रॉट द सिक्विल ऑफ सिक्विल होता है कहते ना इसका सेकेंड uh, वर्जन आ रहा है ना धूम uh, टू आ रही है धूम थ्री आ रही है ना सिक्वेल बोलते हैं उसको तो ट्रिलर्स एंड प्रेसिडे का जो सिक्वेल uh, माना जाता है वो हेनरीसन सन ने लिखा था तो हिंद्री सन से रिलेटेड है uh, जो चोरसियन पॉइंट है नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनेकों अनेकों बार एग्जाम में आया है अनेकों बार आरोही स्कूल का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था द गोल्डन ये डनबार का वर्क है ठीक है गोल्डन ट्रेजे जो वर्क है ये डनबार से रिलेटेड है और ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आरोही के क्वेश्चन में भी आया हुआ था मैम प्लीज मुझे रिप्लाई करो आपकी ऐप इंस्टॉल की है बट कोर्स ज्वाइन नहीं किया है सॉरी प्लीज गाइड मी डी टू प्लस बी पी इंग्लिश अभी तबियत ठीक तो होगी पर पूर्णतः थोड़ा थोड़ा बाकी है hmm. तो मैंने ऐप इंस्टॉल तो किया है प्लीज मुझे गाइड करें डीएसएस बी पी जी टी इंग्लिश फुल कोर्स मेन्सी मैं बता देती हूँ अचीवर अकेडमी ऐप के ऊपर दो कोर्सेज होंगे एक का नाम है डी टू प्लस बी कॉमन पेपर जिसको हम डी टू प्लस बी पेपर वन बोलते हैं और एक का नाम है इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल पीजीटी ठीक है आपको ये दोनों कोर्स अचीव करने पड़ेंगे तब आपकी पूरी की पूरी थ्री हंड्रेड मार्क्स की तैयारी हो जाएगी आपको लगता है आप पेपर वन खुद कर सकते हैं तो सिर्फ पेपर टू ले लीजिए आपको लगता है नहीं मुझे दोनों करना है तो दोनों लीजिए ऐप पे जाओगे ऑल कोर्सेज में जाओगे आपको मिल जाएंगे और दो सौ नंबर की जो इंग्लिश है उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश नहीं है उसके अंदर पूरा लिटरेचर है पूरा वर्ल्ड लिटरेचर है क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी डलवा दूंगी दस अभी ठीक है और दूसरा उसके अंदर ग्रामर भी है कंप्लीट और उसके अंदर पैडागोजी भी है सब कुछ है भले इंग्लिश की ग्रामर भी है पूरी की पूरी खाली ये नहीं है कि लिटरेचर है वोकेबलरी भी है नेक्स्ट है वाई कम ये नॉट द कोर्ट इज ए सटायर ओड हुल से ये एक नया सा क्वेश्चन है खैर सीरियसली स्पीकिंग मैंने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है ज्यादा डीप में तो आई कांट एक्सप्लेन प्रॉपरली बट ये लाइन है ये एक सटायर है होल से मैंने इसको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा सो आई कांट एक्सप्लेन द डिटेल ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज द स्केल्टन इज नॉट ए सटायर तो स्केल्टन जॉन स्केल्टन एक पोएम पॉइट थे भाई ठीक है तो उनकी जो कुछ पोएम्स हैं जो हमेशा सटायर वाली फॉर्म में लिखी गई सटायर आपको पता है किसी की वो uh, फॉलिज को दिखाना हो किसी को कुछ दिखाना हो तो इनडायरेक्टली जो कमेंट किया जाता है Uh, कहते हैं ना कहे बहू को सुनाए बेटी को कहे बेटी को सुनाए बहू को वो वाला टाइप होता है सटायर ठीक है तो इसके अंदर गार्लैंड द ल्यूरल तो मतलब इसके कुछ वर्क हैं तो पूछा गया कि कौन सा सटायरिकल वर्क नहीं है तो गार्लैंड द ल्यूरल इट्स नॉट ए सटारिकल वर्क ठीक है ये स्कॉटिश चोरसियन है थर्टी फाइव करेंगे भाई नेक्स्ट है स्केल्टोनिक्स इज अ फॉर्म ऑफ मीटर ठीक है तो ये जो जॉन जो स्कल्टन वगैरह ने जो फॉर्म यूज की थी अपनी पोइट्री को लिखने के लिए तो वो चीज क्या है वो चीज क्या है वो मीटर है ठीक है स्केल्टोनिक फॉर्म जो है वो मीटर्स आ, की फॉर्म है इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी तुम्हें क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हु वाज द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द फॉल्स ऑफ प्रिंसेज ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार एग्जाम्स में आया है बहुत बहुत बार एग्जाम्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फॉल्स ऑफ प्रिंसेस इसका जो ऑथर है वो कौन है तो इसका ऑथर है गेट ठीक है तो लिट्स गेट है ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना स्टार लगा लेना जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ ना आपको घूम फिर के वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा तो स्टार लगा लिया करो नेक्स्ट है अलेक्जेंडर बाशले इज नोन फॉर द शिप ऑफ फूल्स ये वर्क है इसका तो शिप ऑफ फूल्स के लिए ये जो है जाना जाता है शिप ऑफ फूल्स ठीक है नेक्स्ट है right, देखो ये सीरीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पहले से डिटेल पढ़ी है उनको ये चीज़ें आसान लगेंगी जिन्होंने डिटेल नहीं पढ़ी उनको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी हु ब्रॉड द प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड इंग्लैंड के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है यू नो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आने से क्या फायदा हुआ था बहुत सारा लिटरेचर फेमस हो गया था जब हम शुरू की वर्क को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी किताबें नहीं मिलती क्योंकि उनकी मेन्यू से मिलती है स्टार्टिंग की जो बुक्स हैं कहाँ है उनकी डिटेल उनकी प्रतियाँ उनकी कॉपीज हैं ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी अब भैया जब प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं होगी तो देखो आप मेन्यूस्क्रिप्ट कितनी लिख सकते हो हाथ से आपने एक लिख ली दो लिख ली तीन लिख ली अब बहुत सारी कॉपीज नहीं लिख सकते हाथ से लेकिन इफ यू हैव प्रिंटिंग प्रेस देन नंबर ऑफ कॉपीज आ जाती हैं तो प्रिंटिंग प्रेस आने से ही लोग बहुत अवेयर हुए थे लिटरेचर को लेके क्योंकि बहुत सारी कॉपीज आ गई थी तो प्रिंटिंग प्रेस जो है इंग्लैंड में लाने का श्रेय जाता है टैक्सटन को टैक्सटन को जाता है और ये टाइम पीरियड भी याद रखना 1476 के अराउंड का टाइम पीरियड होता है और कैक्सटन जो प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं इंग्लैंड में तो उससे लिटरेचर बहुत जबरदस्त तरीके से कहता है ना वायरल हो गया आप इस जो इस टाइम पीरियड से पहले की देखो बुक्स बहुत रेयर आपको मिलेंगी और इस टाइम पीरियड के बाद की बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ गई बहुत सारे लोग लिखने लगे फटाफट प्रिंटिंग होने लगी और फटाफट बुक जो है फेमस हो गई आप ये कह सकते हो नेक्स्ट है थॉमस मूर आपको पता है यूटोपिया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूटोपिया होता है एक ऐसा वर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुकून है शांति है सब कुछ बहुत अच्छा होता है ऐसे प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है ये शब्द ठीक है सर थॉमस मोर रॉड द यूटोपिया फिफ्टीन सिक्सटीन तो लेटिन के अंदर लिखा था भैया ये लेटिन में लिखा था स्टार्टिंग में बाद में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था ठीक है तो लेटिन के अंदर लिखा गया था स्टार्टिंग में फिफ्टीन सिक्सटीन में थॉमस मोर ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था 1551 में ठीक है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1551 में ध्यान रखेंगे 1516 में सबसे पहली बार लिखा गया था और इंग्लिश में लेटिन में ही लिखा था और फिर बाद में फिफ्टीन फिफ्टी फिफ्टीन फिफ्टी वन पंद्रह सौ इक्यावन में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया था एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आई थिंक फोर्टी क्वेश्चन आर इनफ फॉर अ डे है ना एक दिन में चालीस क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई लिटरेचर के याद करो चालीस क्वेश्चन हम पर डे कर रहे हैं इस हिसाब से बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे और एज वाइज भी करेंगे ऑल ओवर भी करेंगे मिक्सअप भी करेंगे पूरा लिटरेचर पढ़ेंगे हु रॉट इन प्रोज द हिस्टोरी ऑफ रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर मोर मार्लो एंड स्पेंसर तो ये द हिस्ट्री हिस्टोरी ये ना पहले वाले वर्ड ऐसे लिखते थे ये है तो हिस्ट्री ही ठीक है है तो हिस्ट्री ही मैम पीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन से टीजीटी इंग्लिश कवर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा उनमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है हाँ आपके पास टीजीटी इंग्लिश है तो डेफिनेटली टीजीटी इंग्लिश उसमें कवर होगा ऑटोमेटिक ठीक है? तो है तो 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 ये ठीक है आई थिंक डे भाई बहुत चालीस क्वेश्चन क्या और पढ़ना है बहुत हो गए याद भी कर लिया करो अब इनको मात्र पढ़ना मायने नहीं रखता इनको लर्न करना भी मायने रखता है और आप लोग बड़े कितने बच्चे देख रहे हैं मुझे पता भी नहीं है खैर बहुत ही कम आते हैं इस वाले टाइम तो किसी को पता ही नहीं होता नौ बजे वाले तो फिर भी आ जाते हैं ना कोई बात नहीं ये तो वीडियो सेव हो जाएगी बाद में देख लेना नॉट ए बिग इशू तबीयत भाई मेरी बिल्कुल बढ़िया है एसटेड प्रिपरेशन एस्टेड पास हो गया होगा तो आप स्क्रीनिंग प्रिपरेशन अपना नाम बदल लीजिए <laughs> तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक होगी सीटेट के आंसर की आ भी गई होगी तो ऑनलाइन पेपर देके आए थे जब तक ओ एम आर नहीं आएगी कैसे शोर हो गए कोई न्यू अपडेट होगा देन आई विल डिफाइन यू किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए भाई आज के क्वेश्चन के लिए इनफ है ये बहुत है चालीस क्वेश्चन पर डे बहुत होते हैं ठीक है ना ज़्यादा जरूरी नहीं है सो सौ क्वेश्चन करें चालीस ही क्वेश्चन की सीरीज रखेंगे फोर्टी क्वेश्चन पर डे किसी का कोई क्वेश्चन है नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन अदरवाइज आई एम गोइंग टू लिव और शाम को नौ बजे मिलते हैं जी सीरीज के साथ जो अपनी जीके की सीरीज है भाई वो नौ बजे चल रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल पेपर में बीस नंबर की जीएस आती है भाई केवीएस डीएसएस भी हर जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू ठीक है तो जी सीरीज को स्किप मत क्या करो चाहे आप स्क्रीनिंग दो कोई भी पेपर दो नौ बजे वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में तो फिर भी मैं बहुत राम कहानी नहीं डिफाइन करती ठीक है लेकिन जीएस uh, में तो बहुत राम कहानी उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई पूरी डिफाइन करती हूँ ठीक है बाय so, बाय